हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर मेकअप वीडियो। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रक्षाबंधन का ईजी पीजी मेकअप लुक जस्ट इन 5 मिनट्स। सो सबसे पहले स्किन केयर कर लेना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने अपना कर लिया है। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो नंबर वन, मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का, एंड दिस प्राइमर इज़ रियली गुड फॉर माई स्किन। एंड येस, प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन पोर्स है एंड एक्ने प्रोन स्किन है, तो मेकअप से पहले प्राइमर लगाना इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्राइमर कभी स्किप मत करना, इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना अपने फेस पे। सो नाउ इट्स डन, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क स्पॉट्स एंड रेडनेस को हाइड करने के लिए। सो अगर आपकी भी डार्क स्पॉट एंड रेडनेस है तो आप भी इससे हाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इजीली इसे डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है, एंड ये अच्छे से मर्ज हो जाएगा आपके फेस पे, एंड उसके बाद आपकी स्किन अलग ही टाइप का ग्लो करेगी क्योंकि आपकी रेडनेस एंड डार्क स्पॉट्स हाइड हो जाएंगे इससे। नाउ दिस पार्ट इज डन, यू कैन सी द डिफरेंस, एंड येस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन स्किप कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे यहाँ पे एक्ने एक्टिव हैं एंड पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं फाउंडेशन स्किप कर रही हूँ। एंड ये डे फेस्टिवल है तो मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही। सो अगर आप चाहते हो तो आप इसमें फाउंडेशन ज़रूर ऐड कर सकते हो, विद हाईलाइटर ड्यूई मेकअप लुक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप इज मेरा यहाँ पे है फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, विच इज़ अगेन गुड फॉर माई स्किन। स्वेटिंग ईजिली कवर हो जाती है इससे, एंड मैं अंडर आइज इसे नेक पे नोज के आसपास अपने अप्लाई करती हूँ। सो नाउ अब चलो आईज़ को डेकोरेट कर लेते हैं। तो मेरी आईज़ पे मैं यहाँ पे आज पिंक मेकअप लुक करने वाली हूँ, पिंक थीम के साथ। सो फर्स्ट मैं आउटर कॉर्नर से अप्लाई करूँगी इस पिंक को एंड पिंक शेड को, एंड इस पिंक शेड के साथ फिर मैं इनर साइड पे अच्छे से अपने आईलेट पे मर्ज करूँगी क्रीज पे। देन क्रीज पे अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पे लूँगी सेकेंड शेड जो थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट में है, एंड वो ग्लिटरी इफेक्ट मेरे क्रीज के ऊपर आएगा एंड साथ में मेरी आईलेट के ऊपर एग्जैक्ट, उससे ना एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यू विल सी इन दिस वीडियो।
आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ बहुत लाइट सा एक न्यू ब्राउन शेड जो मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा एंड पिंक शेड को एब्जॉर्ब कर लेगा. सो वो वाला मैं अप्लाई करने वाली हूँ सबसे टॉप पे. सो नाउ इट्स टर्न फॉर माई आईब्रोज. मिस क्लियर की पेंसिल ले रही हूँ एंड ये डार्क ब्राउन शेड में है. ये पेंसिल इज रियली गुड एंड अफोर्डेबल भी है. क्रिएट कर रहे हो या फिर अगर आप बिगनर हो ना मेकअप तो आप जरूर इस पेंसिल को रख सकते हो अपने पास. आपकी आईब्रोज डिफाइंड बहुत जल्दी हो जाएंगी इस पेंसिल से. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज काजल. मेरा प्लम का काजल आजकल बहुत ही फेवरेट है एंड ये काजल मैं थोड़ा सा अप्लाई करने वाली हूँ अपने आई पे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मस्कारा. हाइपल कर्ल का मस्कारा इज सो ऑसम सो गुड. आपको एक स्ट्रोक से मिल जाएगी आपकी फॉल्स आई लैशेस. यस, जैसे मुझे यहाँ पे मिली है. सो नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे अपना लाइनर लैक्मे का एंड ये अफोर्डेबल भी है एंड सबके पास अवेलेबल होता है. सो आई लाइनर अप्लाई करना, इससे आपके आईज को बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा, ब्यूटीफुल लगेंगी. रेडी, बस मेरे लिप्स रह गए हैं. सो लिप्स में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी बोल के मैट लिप लाइनर्स एंड यहाँ पे मैं बहुत प्रिटी सा पिंक कलर का शेड लेने वाली हूँ एंड उसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने पूरे लिप पे आउटलाइन के साथ. सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. ये रोल ऑन स्विस ब्यूटी का है एंड इसको आप अपने आईज लिड पे एंड अपने नोज़ पे एंड चीक्स पे एंड कहीं पे भी जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है ना वहाँ पे लगा के ऐसे मर्ज कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देता है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपना मेकअप फिक्सर एंड ये समर लुक है ना तो मेकअप फिक्सर लगाना तो बिल्कुल मत भूलना एंड वैसे भी थोड़ा सा मेकअप किया है तो मेकअप फिक्सर लगा लेना ताकि वो सेट रहे दिन भर आपका. एंड नाउ आई एम रेडी एंड मेरे को ये मेरा फाइनल लुक है. सो देख के बताओ आप कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक एंड अगर आपको पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.